युद्ध का एपिसेंटर बदल चुका है। गजा के बाद इसराइल अब लेबनान पर नॉनस्टॉप बमबारी कर रहा है। धमाके ऐसे जिनकी गूंज 1,500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान तक पहुंच रही है। डेढ़ हजार से ज्यादा हमले और एक ही दिन में 550 जान लेने वाले इसराइल के बम। खौफ बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से अब ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक नई वार्निंग जारी की है। यह है ईरान की राजधानी तेहरान। यहां सड़कों पर मिसाइल पहुंच चुकी हैं। लग रहा है कि बस युद्ध का ऐलान होना बाकी है और तेहरान की इस इमारत पर लगा दिया है ऐसा पोस्टर जिसमें इसराइल के लिए एक मैसेज है। पोस्टर में इसराइल के सैनिकों को डरी हुई हालत में भागते हुए दिखाया गया है और ऊपर फारसी और इसराइल की भाषा हिब्रू में क्या लिखा है गौर से देखिए। फारसी में लिखा है, हम उस जगह बदला लेंगे जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। हिब्रू में लिखा है, शुरू तुमने किया, खत्म हम करेंगे। इस पोस्टर में इजरायली सैनिकों को खौफ में दिखाकर यह मैसेज देना सीधा इजराइल को चैलेंज है। इजराइल को डराने वाला बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में भी दिया है। 100 گذشته رئیس جمهور خدمتگزار کشورم ابراهیم رئیسی از همین سخنگاه با شما سخن گفت. او در راه خدمت به مردم ایران شهید شد. روحش شاد باد. من اینک برای اولین بار از این جایگاه ریاست جمهوری اسلامی ایران با شما سخن میگویم. गजा में 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत और लेबनान में एक दिन के अंदर 558 लाशें बिछाने के बाद इसराइल इस वक्त ईरान के टारगेट पर है। हमास और हिजबुल्ला दोनों के साथ ईरान खड़ा रहा है, लेकिन अब ईरान के तेवर और उसकी ताकत को परखने का सबसे अहम मौका माना जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर इसराइल से बदला लेने वाले पोस्टरों में इस्माइल हानिया भी हैं, कासिम सुलेमानी की भी तस्वीर है और ईरान के सुप्रीम लीडर का ये पोस्टर देखिए जो एक बैलिस्टिक मिसाइल के साइज का लगाया गया है। यानी इसराइल को बैलिस्टिक चैलेंज के साथ ईरान बता रहा है कि वो किसका किसका बदला लेना चाहता है। पहला बदला गाजा का है जहां 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दूसरा बदला यमन का है जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ अब इसराइल के टारगेट पर है। तीसरा बदला लेबनान का है जहां इसराइल ने अपना घोषित युद्ध शुरू कर दिया है। चौथा बदला इस्माइल हानिया का है जिसकी हत्या इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में की थी। और पांचवा बदला ईरान अपने जनरल कासिम सुलेमानी के मर्डर का लेना चाहता है जिन्हें अमेरिका ने 2020 में बगदाद में ड्रोन अटैक करके मार डाला था। तेहरान की सड़कों पर मिसाइल के साथ जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर इसका सबूत है। مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیاندازه استحکام ایران کے ٹارگٹ پر اس وقت اسرائیل بھی ہے اور امریکہ بھی اس لیے دونوں دشمنوں کو ڈرانے کے لیے اسرائیل نے اپنے خاص ہتھیاروں کی ایک پریڈ بھی نکالی ہے। लेकिन मौजूदा वक्त में हानिया का बदला बाकी है। गजा से लेकर लेबनान में हमास और हिजबुल्ला पर हमले जारी हैं और तीनों तस्वीरें लगातार ईरान के जहन में घूम रही हैं। अपने दुश्मन को डराने के लिए ईरान की परेड देखिए, फिलिस्तीन, हूती और लेबनान ईरान के इन हथियारों को गिन रहे हैं। इनमें मिसाइल भी है, इनमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी है और सामने मंच पर ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान भी है। ईरान की परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल पेश की गईं। इन 23 मिसाइलों को लेकर ईरान के तेवर देखने वाले हैं। तेईस मिसाइल दिखाकर ईरान क्या करना चाहता है? क्या ये मिसाइल परेड में ही दिखाई जाएंगी या ईरान के दुश्मनों के खिलाफ ये लॉन्च भी की जाएंगी?
इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान कब लेगा इसराइल से अपना बदला। करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और ईरान के बदले वाली तारीख अब भी कंफर्म नहीं हुई है, बल्कि वेटिंग में चल रही है। गजा पूछ रहा है, पूरा फिलिस्तीन पूछ रहा है, यमन पूछ रहा है, हिजबुल्ला के साथ पूरा लेबनान पूछ रहा है और सबसे बड़ा सवाल ईरान के पास है, खामनेई इसराइल से बदला लेने का वादा कब पूरा करेंगे। Progress toward peace will put us in a stronger position to deal with the ongoing threat posed by Iran. Together, we must deny oxygen to its terrorist proxies, which have called for more October 7th and ensure that Iran will never, ever obtain a nuclear weapon. ये वो किसे किसे पैगाम देना चाहता है। अगर मैं वहदत داشته باشیم اگر دست به دست هم بدیم اسرائیل قاسم قادر نخواهد بود این جنایت ها را این گونه که در منطقه داره پیاده میکنه. ईरान ने नेतन्याहू को घेरने के लिए ऐसे हथियार इजराइल के दुश्मनों को सप्लाई किए हुए हैं, जिनमें न सिर्फ लेबनान का हिजबुल्ला है बल्कि यमन का मिलिशिया हूती भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल को डराता रहा है। हालांकि हाल ही में यमन ने जिस मिसाइल से तेल अवीव के करीब हमला किया था उसका दावा है कि वो उसने खुद बनाई है, लेकिन हूती और हिजबुल्ला के पास ऐसे बहुत से हथियार हैं जिन पर मेड इन ईरान की छाप लगी हुई है। ईरान ने इस बार परेड में 23 बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई हैं। इनमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतेह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। ये मिसाइल दिखाकर ईरान अब इसराइल में पोस्टर वाला खौफ भरना चाहता है। पोस्टर में इजरायली सैनिकों के डरे हुए चेहरे नेतन्याहू तक भी पहुंचे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। पोस्टर में फारसी और हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखा है कि बदला जरूर लिया जाएगा और इस युद्ध को ईरान खत्म करेगा। ये ईरान की तरफ से बड़े हमले का सरप्राइज माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका घबराया हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, नेटो के इन 4 देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उनका आरोप है कि ईरान ऐसी मिसाइलें अब पुतिन को सप्लाई कर रहा है। हालांकि ईरान और रूस दोनों ने इससे इनकार किया है। अब इस परेड और पोस्टर दोनों के जरिए ईरान बताना चाहता है कि उसका बदले वाला इरादा अटल है।